सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन टेक्निकल चैनल को ताकि आपको सभी टेक्निकल वीडियोस मिल सकें, बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा। व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी, स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल ऑल इन टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक नई और अनबॉक्सिंग के बारे में। तो यार आज हम आपके लिए लेके आए एक और नया अनबॉक्सिंग, और इस बार दिखाएंगे आपको कि क्या है इसके अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एक स्पेशल सन नाइफ, जो कि खंजर। ऐसे रखो, फाड़ दो, ऐसे फाड़ देते, ठीक है। फिर इसके अंदर से हम निकालते हैं जो इसके अंदर है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर है हमारा आज MI का पावर बैंक, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो पावर बैंक है ये है आपका 20,000 mAh का। तो इसके अंदर आपको मिलती है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, और उसका जो आउटपुट है, ठीक है, वो USB C और टाइप सी और सभी जो पोर्ट है, मतलब उनको फ़ोन को चार्ज कर सकता है। और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग तो इसके अंदर है ही है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो इसके स्पेक्स हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसकी कीमत तो उसके बारे में बात करेंगे, सबसे तो पहले इसको कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे इसको एक हमें एक स्टिकर सा, मतलब एक सील से देखने को मिलती है। इसको हम ऐसे काट देंगे इस तरीके से चक्कू से। दिस इज नॉट नाइफ, दिस इज चक्कू। और ओपन, सिंपली ओपन हो गया, सिंपली हो गया ओपन। अभी हमको क्या करना है, ऐसे करना है, यहाँ से पकड़ना है और ऐसे निकाल देना है बाहर। तो अभी इसके अंदर हमें कोई मिलता है एक और बॉक्स। तो ये है हमारा जो बॉक्स है, इसके आगे जो इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है MI पावर बैंक 20,000 mAh 18 वाट फास्ट चार्जिंग लिथियम पॉलीमर बैटरी, ठीक है, और एडवांस 9 लेयर प्रोटेक्शन। उसके बाद इंटेलिजेंट पावर आउटपुट, जिसका स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको साइड में दिखाई दूंगा, तो आपको पता चली जाना है। तो फिलहाल इसको करते हैं साइड में और अभी देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको मिल जाता है देखने के लिए, ये काफ़ी वजनी सा एक डब्बा। अब इसको खोलेंगे पता चलेगा इसके अंदर पावर बैंक या फिर कोई ईट रख के हमको दे दी गई है। सुनने में आ रहा है आजकल कुछ फ्रॉड वगैरह भी चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ हमको एक यहाँ पर एक MI का लोगो है और यहाँ पर एक बटन है, पता नहीं किस काम का है, बाद में देखेंगे फ्रेंड्स। और ये बटन है यहाँ पर, ये किस काम का है इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी नहीं फ्रेंड्स, माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। और ये तो ऑन भी है, उंगली मारने पर ऑन दिखा रहा है। ओए, व्हाट द फक। तो फ्रेंड्स, अभी हमें इसके स्पेक्स, मतलब कैसे कैसे चलाना है इसको, तो हमको पता नहीं है अभी। तो उसके नीचे इसकी जो सारी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर, अब मैं वो आपको दिखाने चाहता हूँ कि बहुत छोटा सा लिखा, तो पढ़ के आपको मैं सुना देता हूँ ताकि आप जो अच्छे से सुन पाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, सबसे पहले तो आपको 20,000 का एक MH का इन्होंने हाईलाइट करके दिखा रखा है कि 20,000 का है। ऊपर से एक काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो वो भी चलो किसका, क्योंकि भाई बड़ी बैटरी है इसके अंदर, तो ओबियस सी बात है भारी तो होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको मिल जाता है MI पावर बैंक 2i। फ्रेंड्स, इसके अंदर बाकी इसकी स्पेक्स लिखी हुई है, जिसमें आपको मिल जाती है फ्रेंड्स 18 वाट के फास्ट चार्जिंग, मैक्सिमम 18 वाट के फास्ट चार्जिंग तक इसको चार्ज कर सकता है। और मतलब हर फोन के हिसाब से जो जितनी चार्जिंग सपोर्ट करता है उस हिसाब से आपको आउटपुट देगा यहाँ से। और यहाँ पर आपको दो चार्जिंग आउटपुट देखने के लिए मिल जाते हैं, आप एक साथ दो फोन को यहाँ से चार्ज कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतना बड़ा पावर बैंक है तो आपको दो तो मिलने चाहिए, क्योंकि आप एक साथ, ताकि दो को चार्ज कर सको। और यदि आप एक फ़ोन की बात करते हो तो फ्रेंड्स, आप इससे एक फ़ोन को आराम से चार्ज कर पाओगे कम से कम 4 बार, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल फ़ोन जो है 4000 mAh की बैटरी वाला है, तो आराम से आप इसको कम से कम 4 बार चार्ज कर पाओगे। और तो फ्रेंड, जैसा कि कंपनी बताती है कि भाई हमने आपको दिया 20,000 mAh का जो पावर बैंक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको जो थोड़ा बहुत कमी मिलता है उससे। इसके अंदर में भी अगर पूरा जो कैलकुलेशन अगर करा जाए तो उस हिसाब से आपको मिला होगा ज़्यादा 15,000 या 16,000 mAh का पावर बैंक बस, इससे ज़्यादा नहीं मिला होगा फ्रेंड्स, लेकिन इतना भी काफ़ी है। आप तीन बार तो आराम से चार्ज कर सकते हो, उसके बाद आधा फ़ोन दोबारा एक बार और चार्ज कर सकते हो इससे। तो इसकी रियलिटी है, मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई को लपेट के बताऊँ इसके बारे में, जो हकीकत है वो यही है कि एक 3 बार तो एक फ़ोन को अच्छे से चार्ज कर देगा, और अगली बार बाकी के बाद में उसको आधा चार्ज ही कर पाएगा, शायद उससे कम भी कर सकता है, लेकिन चार बार तो कम से कम चार्ज कर देगा, वो पूरा नहीं करेगा लेकिन आधा से कर देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बटन दिया गया, ये पता नहीं मुझे किसी का बटन है, इसके बारे में पढ़ेंगे जब पता चलेगा हमको। अभी इस पर 2 लाइट जल रही है, पता नहीं क्यों जल रही है, और इसका ऑन ऑफ सिस्टम है शायद, ये तो कुछ समझ में आएगा हमको थोड़ी देर में, जैसे तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सामने, और इससे अभी चार्जिंग करके देखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे भाई, और देखते हैं इसके अंदर निकलता क्या है फ्रेंड्स। अभी तो एक यहाँ पर एक और कॉर्नर है इधर, तो इस कॉर्नर में भी कुछ है, और यहाँ मिल जाती है हमको एक वाइट कलर की केबल,
जिसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो नॉट टू गुड एंड नॉट टू बैड, बट बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो मुझे पावर बैंक दिख रहा है वो एकदम क्वालिटी है, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी में जो आपका पावर बैंक है वो तो एक नंबर है भाई, और इसे चार्ज करके देखेंगे भाई कि वो चार्ज करता है नहीं करता है, वैसे ही गोले मार रहे हैं ये, और हमारे सामने भी हाथ में फ़ोन भी है तो भी देख लेते हैं चार्ज करके टोंडे को। यहाँ से ठोकेंगे इसमें ऐसे और लगा देंगे इसे। तो मित्रों चार्ज होने लगा है, और यहाँ पर जो चार्जिंग है वो दिख रही है, अगर ये देख पाएगा फोकस वोकस कर ले थोड़ा वो तो आप भी देख पाओगे कि भाई ये चार्जिंग जो यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद मित्रों तो ये चार्ज तो करता है, और ऑन ऑफ का सिस्टम के बारे में पता नहीं है थोड़ा सा, तो अभी देखते हैं इसके अंदर और तो कुछ है नहीं, बस इतना ही था। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग इसकी, और अब थोड़ी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस इसका जो है फ्रेंड्स ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव प्राइस में भी आपको मिल रहा है, तो आप जाकर के खरीद सकते हो अमेजोन से। तो अमेजोन में मैंने इसको परचेज किया, वहाँ से मुझे मिला है 1499 रुपये में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको इसका छोटा वर्जन चाहिए यानी कि 10,000 mAh वाला तो आपको मिल जाएगा सिंपली 799 रुपये में, और अगर आपको ये चाहिए 20,000 mAh वाला तो आप ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि रियलमी का मैंने देखा था तो रियलमी वाला जो पावर बैंक है वो 1200-1300 रुपये का आ रहा है 10,000 mAh का, जबकि वहाँ पर उसे 200-300 रुपये फालतू है, और MI आपको प्रोवाइड करा रहा है 20,000 का, और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ, तो वो भी सी बात अच्छा तो होगा ही। तो फ्रेंड्स मैंने मंगा लिया इसको, आप भी मंगा सकते हो, तो जाइए अमेजोन, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वैसे भी जा सकते हो, आप सीधे जाओगे और देखोगे उधर जाकर के आपको मिल जाएगा ये, आप जाकर खरीद सकते हो आसानी से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना यार, और जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो जय हिंद।